भाजपा ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से और साथ ही मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली सीट से पुनः उतारने की घोषणा की। पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों में अब तक 6 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बताया चले आपको कि गंभीर को महेश गिरी की जगह खड़ा किया गया है और उनका मुकाबला कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली तथा आम आदमी पार्टी की अतीशी से होगा। बता दें आपको कि लेखी का मुकाबला आपके ब्रजेश गोयल और कांग्रेस के अजय माकन से है। इससे पहले रविवार को भाजपा ने दिल्ली की 4 सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को प्रत्याशी घोषित किया था। गौरव इनमें चांदनी चौक से हर्षवर्धन, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा और दक्षिण दिल्ली से रमेश विधुड़ू हैं। साथ ही पार्टी ने अभी उत्तर पश्चिम दिल्ली से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। पिछले चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। जानकारी देते हैं आपको कि लोकसभा के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को देश भर में 116 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें गुजरात और केरल की सभी सीटें शामिल हैं। साथ ही 7 चरणों में से सबसे बड़े इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। SPN9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।